मानस के चार वक्ता हैं, ज्ञानपीठ पर भगवान शिव हैं, भक्तिपीठ पर श्री काकभसंड जी महाराज हैं, कर्मकांड पीठ पर तीर्थराज प्रयाग से ऋषिवर याज्ञवल्क जी महाराज हैं और प्रति घाट शरणागति घाट पर श्री काशी जी में प्रातस्मरण पूज्यपाद गोस्वामी जी। कथा किसने कब प्रारंभ की ये मैं पहले दिन सुनाया। अब अयोध्या कांड की कथा में हम लोग श्री भुसुंड जी महाराज के आश्रय में सीधे प्रसंग पर उपस्थित होंगे। आइए, मानस प्रेम ग्रंथ है। मानस जिसको जैसा भाव बन जाए, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़। थोड़ा श्री महाराज जी की उपस्थिति है तो कुछ तो कथा हम भुला ही जाएंगे, और फिर भी मैं यत्न करता हूँ कि सहजावस्था में रहूँ, परंतु संभव नहीं है। जब मैं भाई श्री को कथा सुनाने गया तो वहाँ भी यही स्थिति रही। मैं तो कुटिया में ही, आप भ्राता श्री को बोला कुटिया में रहिए, फिर मैं सुनाता हूँ, फिर सुनाए नौ दिन। यहाँ हम दर्शन करें, काकभुसंडी जी जो गरुण जी महाराज के प्रति कथा गा रहे हैं, भगवान शिव कहते हैं माँ शिवा से देवी, सुन शुभ कथा भवा रामचरित मानस विमल। कौन कथा? कहा भुसुंडी बखा सुना बिहग नायक गरु। सुन शुभ कथा भवानी, हे भवानी जी ये मंगल करने वाली कथा सुनिए। और बाबा ने भी लिखा, मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ। ये तो सरकार ने भी सुनाया, ये तो कल्याण कर देती है कथा। देखिए, दवा दवा कृपा आशीष, जितनी हमारी श्रद्धा उतना फल। सद्गुरु के श्री चरण में जितनी हमारी श्रद्धा रहेगी उतना हमको फल प्राप्त होगा। मेरी राम कथा में जो सरस प्रभाव है, मेरे गुरुदेव भगवान की सहज कृपा है। क्यों? मैं दूर रह के भी अनुकूल रहता हूं। और ऐसा भाव है, आप जितना श्रद्धा कथा में रखेंगे उतना आपको फलेगा। ये चौपाई नहीं है, ये तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है। चौपाई का एक महापुरुष अर्थ कर रहे थे, बेटा चौपाई मने चार पाई, चार मने धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो रामायण गाई वो चारों एक के संग पाई। क्या ये महात्मा लोग भी सरकार क्या चिंतन कर देते हैं है? ये कामधेनु है, देखिए ना, कामधेनु है मानस। कलिजुग कामधेनु रामायण शंकर दुही दुही सनकादिक वाल्मीकि मुदितायन, ज्ञान दास गोबर के खातिर सदा रहत पछियायन। कलिजुग कामधेन रामायण ये कामधेनु है। इसमें जो दोहा है ये कामधेनु को दूहने के लिए है। कैसे? इंजेक्शन देके नहीं, प्रेम से बछड़ा को। कौन बछड़ा? कौन? श्रोता वक्ता जिसकी बालवत बुद्धि हो। धीरे धीरे गौ माता का दूध उतना पान करना चाहिए, लेना चाहिए जितनी अपनी उपयोगिता, बच्चों के लिए, दवा के लिए, परिवार के पोषण के लिए। नहीं सब गारा दो, बाद में बछड़ा को छोड़ दो, बछिया को छोड़ दो, नहीं। इतना दोहना इसमें से कितना, जितने में जीवन सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, अधिक नहीं, व्यर्थवाद नहीं, बकवाद नहीं। तो दो छंदों के रूप में छनना लगा है, उस दोहे हुए भाव को छंद, छंद जहां भी होगा उसके नीचे सोरठा हो, सुष्ट हो जाओ, पुष्ट हो जाओ, छानो और सोरठे में उसको जरा तपाओ। आप दे दर्शन करिएगा, केवट प्रेम ले लीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चौ आदि भगवान ठाका लगाए। कब? ये सोरठा है। सुन के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन। ये छन गया, तप गया, अब चार पुरुषार्थ, फिर चौपाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त। महापुरुष लोग हैं,
जो सोचा दे, जितनी हमारी श्रद्धा उतना हमारा फल। एक एक प्रसंग प्रेममय है, चाहे वो भरत भैया का हो, भगवान शिव माँ शिवा का हो, केवट जी का हो, शबरी जी का हो, बारंबार पुरजनोपाख्यान में जहां है केवल प्रेम है। प्रेम अमीय जल बिनु अभी अंतर मल कबहु की जाई। ये प्रेम रस कथा प्रेम रस है, किसका? भगवान के प्रेम का स्वरूप है। और जो जितना इसमें अवस्थित होगा, डूबेगा, उसका उतना रस आएगा। बाबा शिव कहते हैं, देवी प्रथम ही अति अनुराग भवानी राम चरित सर कहे मानस सर कागवसुंडी जी ने बखान कर गरुड़ जी के प्रति गाया। पश्चात पुण्य नारद का मोह अपार ऋषि शाप कहे सी बहुरी रावण अब प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कहसी मन लाई। भगवान के अवतार की कथा शिशु चरित्र मन लगाकर और इष्ट देव मम बालक रामा सो जिससे आपको लगाव होता है उसकी चर्चा बार बार करते हैं। जिस लीला चरित्र से लगाव होगा वह लीला वक्ता श्रोता, किसी किसी को किसी किसी लीला में रस आता है। आप कहीं से पूछिए वो वहीं पहुंच जाएंगे। किसी किसी को उसी प्रकार की वार्ता में रस आता है, फिर आप कहीं घुमाइए वो वहीं पहुंच जाएंगे। जैसे मैं अब तक कथा सुनता रहा हूँ, सुनते ही रहता हूँ, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लग्गा कांड, उत्तर कांड बहुत कमी लोग सुनाते हैं। श्री महाराज जी ने उत्तर कांड की 3 चौपाई आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की, सुनने को नहीं आती है। सुंदर कांड, बाल कांड, अरे भाई सभी कांड है। ऐसा थोड़ी है कि आप पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे और फिर बीच वाली में चढ़ के अंत में चढ़ेंगे ही नहीं, वो तो सबको तय करना पड़ेगा। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, तो क्रम से बालचरित कैसा कही विविध विधि, क्यों मनमोह परम उछाह ऋषि आगवन कहसि पुनि श्री रघुवीर विवाह। मेरी माँ और श्री ठाकुर के दिव्य विवाह महोत्सव को काकभूषुंड जी ने गाया, ऐसा भगवान शिव माँ सेवा को सुनाते हैं। अब अगली पंक्ति बड़ी अनमोल है साहब, देखिए ना, बहुरी राम अभिषेक प्रसंग, बहुरी राम अभिषेक प्रसंग, पुनि नृप वचन राज रस भंगा, पुनि नृप वचन उर्वासीन कर विरह विषादा, उर्वासीन कर विरह विषादा, कहसी राम लक्ष्मण संवादा, कहसी राम लक्ष्मण विपिन गवन केवट अनुरागा, विपिन गवन केवट अनुरागा, सुर सरिहु तरी निवास प्रयागा, सुर सरिहु तरी
पास गया सुर सरी बोतरी निवास प्रयाग सुर सरी बोतरी निवास प्रयाग। बाबा कहते हैं देवी बहुरी कब व्याह हो के सरकार का जब आया बहुरी राम जी के अभिषेक का प्रसंग आया इतने में मां कैकेयी जी ने दो वरदान मांग लिए बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुन नृप वचन राज रस इतनी वनवास की कथा है बन जाने की कथा है।